वेलकम टू श्री जी फूड। आज आप बनाईशू रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर तवा मसाला। रेस्टोरेंट जेवी सब्जी घरे बनावी खूब ज ईजी है। एने परफेक्ट बनावा माटे तमारे कई कई वस्तुनो ध्यान राखवू ए हूँ तमने ड्यूरिंग द रेसिपी जणावती जईश। तो चालो रेस्टोरेंट जेवी सब्जी नवी नवी रेसिपी सीखवा माटे मारी चेनल ने सब्सक्राइब करवानू ना भूलशो अने बाजू में रहेला आ बेल आइकॉन ऊपर क्लिक करी दो जेथी मारा दरेक नवा वीडियो नू नोटिफिकेशन तमने मळतू रहे। अने सौथी पहला एनी ग्रेवी बनावानी छे। तो मैं 500 ग्राम टामेटा अने 100 ग्राम दूधी ने कूकर में बे विसल करीने बाफी लीधू छे। आ सरस रीते बफाईने तैयार छे। हवे आमां जे पाणी छे एने एक वाडका में लई लईए। आ पाणीने तमे શાકમાં જરૂર પડે તો યા ટામેટાનો સૂપ બનાવતા હોય તો એમાં પણ વાપરી શકો છો। મેં ટામેટા અને દૂધીને હેન્ડ બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। હવે એને ગાળી લઈએ જેથી રેસા કે ટામેટાના છોતરા હોય તો એ ના રહે। કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ મેં ગરમ કરવા માટે મૂક્યું છે। તેલ થોડું ગરમ થાય એ પછી એમાં સૌથી પહેલા ખડા મસાલા એડ કરવાના છે, જેમાં તજ, લવિંગ, काळा मरी अने एक स्टार वरियारी लीधी छे। तेल साधारण गरम थाय त्यारे ज आ मसाला सांतळी लेवाना जेथी आनी स्मेल तेल में खूब सरस आवशे। तमारे जो आने शाक में आम ज रहेवा देवा होय तो रहेवा दई सको छो। अत्यारे हूँ आने तेल माथी काढ़ी लऊं छूं केम के ऑलरेडी आनी स्मेल तेल में बेसी जाय छे अने मारा बाळकोने आ रीतना खड़ा मसाला पसंद नथी होता। थोड़ू जीरु एड करो, एक सूकू लाल मरचू, हाफ टीस्पून जेटली हळदर एड करीशुं। 3-4 लीला मरचाने मैं समारी लीधा छे। तमारे अधकचरू वाटेळू लसण एड करवू होय तो करी सको। थोड़ू आदू छीणीने एड करवानुं छे। हवे आने सांतळी लो। जो डूंगळी एड करवी होय तो 2 मीडियम साइजनी डूंगळीने झीणी छीणीने के समारीने एड करी सको छो। आमां टामेटानी जे प्यूरी तैयार करी ए एड करवानी छे। गैसनी फ्लेम मीडियम करी दईशुं अने हवे आमां मसाला करीशुं। 1 टेबलस्पून धाणा जीरू, 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मरचू अने 1 टेबलस्पून पंजाबी गरम मसालो एड करवानो छे। आने मिक्स करी लो। मैं होममेड पंजाबी मसालो यूज कर्यो छे अने एनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपी छे। मसाला सरस रीते मिक्स करी लेवाना छे। हवे आने ढांकी दईशुं अने ग्रेवीने चढ़वा दईशुं। 7-8 मिनिट पछी ग्रेवीने एक वार हलावी लो। फरीथी आने ढांकीने चढ़वा देवानुं छे अने दर 4-5 मिनिटे एने हलावता रहेवानुं। બારથી 15 મિનિટ પછી એમાં હાફ કપ રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ એડ કરો। ટામેટા પ્રોપર ચડી જાય એ પછી જ દૂધ એડ કરવાનું છે। ફરીથી ઢાંકી દઈશું। ગ્રેવીને બીજા ગેસ ઉપર મેં મૂકી દીધી છે અને એક ફ્રાયપેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન બટર લઈશું। સોલ્ટેડ બટર લીધું છે મેં। એમાં 1 ટીસ્પૂન તેલ એડ કરો। બટર ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં જે આ વેજીટેબલ લીધા છે એ તૈયાર કરી રાખવાના તમારે। કેપ્સિકમ, મરચું, ટામેટા અને પનીર જો ડુંગળીના મોટા પીસીસ એડ કરવા હોય તો એ પણ કરી શકો છો। ગ્રેવીને પણ સાથે સાથે હલાવતા રહેવું। બટર ગરમ થઈ ગયું છે। સૌથી પહેલાં એમાં સમારેલા લીલા મરચા અને કેપ્સિકમ એડ કરો। ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને આને સાંતળી લો। એક થી 2 મિનિટ પછી આમાં પનીર એડ કરવાનું છે। બધાના આ રીતના મોટા પીસ રાખવાના છે અને એને પણ સાંતળી લો। જો ડુંગળી એડ કરવી હોય તો પનીર એડ કર્યા પછી ડુંગળી એડ કરવાની અને એ પછી લાસ્ટમાં તમારે ટામેટા એડ કરવાના। હું હવે આમાં ટામેટા એડ કરી દઉં છું। ટામેટાને મેં બીયા કાઢીને સમાર્યું છે અને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની પૂરી ડિટેલ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ જોવા મળશે। મીઠું એડ કરો, સરસ રીતે મિક્સ કરો એને।
सूका लाल मरचा ने मैं पानी में पलाड़ी ने एने वाटी लीधा छे। एक टेबल स्पून जेटली आ पेस्ट एड करो। थोड़ो पंजाबी गरम मसालो आने हलावता रहेवू खूब जरूरी छे। ग्रेवी ने पण साथे साथे हलावता रहेवू। जो रसोई सीखो छो तो पहला ग्रेवी बनाईने मूकी दो, पछी आने सांतळजो। थोड़ी कोथमीर एड करो, गैस बंद करीने आने मिक्स करी लईए। वेजिटेबल ने साइड में मूकी दईसू। हवे ग्रेवी जोई लईए। ग्रेवी ऑलमोस्ट थई जवा आवी छे। एक थी बे टेबल स्पून जेटली घरनी मलाई एड करो। आना बदले जो तमारे अमूलनू क्रीम एड करवू होय तो पण आटली क्वांटिटी में तमे एड करी सको छो। फरीथी ढांकीने चढ़वा दो एने। हवे आमा मसाला करेला छे अने ग्रेवी में हजू मीठू एड नथी कर्यु तो ग्रेवीना भागनू मीठू एड करी दो। तमे जोई सको छो हवे आमा तेल छूटवा लाग्यु छे। सरस रीते मिक्स करी लईए। आने लगभग 20-22 मिनिट जेवो टाइम थयो छे। कसूरी मेथी लई लईशुं अने एने हाथथी आ रीते मसळीने शाकमां नाखवानी छे। जे पांदड़ा एना क्रस थाय ए भूक्को ज नाखवानो छे। आ रीतना एना डाळखा नथी नाखवाना। थोड़ी समारेली कोथमीर एड करो। ग्रेवीने मिक्स करी लो। तमे जोई सको छो ग्रेवीनो कलर अने टेक्सचर बन्ने चेन्ज थई गयु छे। लास्ट में हाफ टी स्पून किचन किंग मसालो एड करो। एक मिनिट माटे ढांकी दईसू अने फरीथी हलाई लईसू। ग्रेवी तैयार छे। जे पनीर अने टामेटा सांतळीने राख्या छे आमां एड करो। बधुं सरस रीते मिक्स करी लो। सब्जी बनीने तैयार छे। तमे जोई सको छो किनारी उपर तेल आई गयुं छे। गैस बंद करी दईसू अने पनीर ने थोड़ू छीणीने आमां एड करवानुं छे। तमे कोई पण पंजाबी सब्जी बनाओ आ रीते पनीर थोड़ू छीणीने एड करशो तो सब्जीनो टेस्ट खूब ज सरस लागशे। तमने नजीकथी आ सब्जी बताऊं, आनु कलर अने टेक्सचर बन्ने खूब ज सरस आई गयुं छे। हवे आ सब्जीने एक सर्विंग प्लेटमां के बाउलमां लई लो। तमे ज्यारे पण एने चमचाथी सर्व करो त्यारे बिल्कुल पण एमां पाणी रिलीज ना थवुं जोईए। हवे आनुं गार्निशिंग करीशुं। तो थोड़ू छीणेलू पनीर एड करो। थोड़ी समारेली कोथमीर। हवे आ रेस्टोरंट स्टाइल पनीर तवा मसालानी सब्जी सर्विंग माटे तैयार छे। तमे आने रोटी, पराठा, नान, कुलचा के जीरा राइस गमे तेनी साथे सर्व करी सको छो। अने आने ग्रेवी ने तमे जो प्रॉपर सांतळशो तो एमांथी क्यारे पण पाणी रिलीज नहीं थाय अने तमे जे मसाला एड कर्या हशे एनो प्रॉपर टेस्ट तमने मळशे। तो हवे आ रीते पंजाबी सब्जी बनाईने जरूर ट्राय करजो। तमारा घरमां आ चोक्कस पसंद आवशे। आई होप तमने आजनी रेसिपी पसंद आई हशे।